नमस्कार, बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के बैनर तले सेवानिवृत्त लाइसेंस आवास धारक संघर्ष समिति ने बोकारो के सेक्टर 4 नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लाइसेंस धारकों ने कहा कि सेल प्रबंधन लाइसेंस लीज के चक्कर में हमारा दोहरी नीति के साथ आर्थिक दोहन कर रही है। हमारा आवास आश्रितों के लिए सुरक्षित नहीं है। आवास रेंट की बढ़ोतरी और उस पर एडवांस कंपाउंड इंटरेस्ट का जबरन वसूली का मोनोपोली प्रबंधन अपना रही है। धरने और प्रदर्शन के माध्यम से लाइसेंसधारियों ने कहा कि सेल प्रबंधन से मांग की है कि लाइसेंस नवीकरण के नाम पर तथा बढ़ाए गए आवास भाड़ा को वापस ले, एक समान बिजली बिल में भी सुधार किया जाए, आश्रितों के नाम पर आवंटन क्वार्टर आवंटन करने का अधिकार पुनः बहाल होना चाहिए, लाइसेंस को लीज में शीघ्र परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे कई अन्य मांगे भी की गई है। इन लोगों का कहना है कि अब अगर प्रबंधन हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग एडीएम बिल्डिंग का घेराव कर मेन गेट के समक्ष धरना देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। वहीं उपाध्यक्ष बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के रामानुज शर्मा ने कहा कि सेल सेवानिवृत्त कर्मचारी हम लोग हैं, लाइसेंस पर आवास लिए हुए हैं। लाइसेंस की जब शुरुआत हुई थी उस समय जाके मार्च 2008 में 210 रुपया से लाइसेंसिंग भाड़ा शुरू किया गया। 2008 वाले का रिन्यूअल आया, 2010 में जो ले रहे थे लाइसेंस पर उनका भाड़ा सीधे बढ़ा के 500 रुपया कर दिया गया। 500 के बाद फिर जब इन लोग का रिन्यूअल आया जस्ट 33 महीना के बाद फिर इसका भाड़ा हो गया 1000 और फिर इसका जाकर के भाड़ा रिन्यूअल का समय आया तो 1300 के बाद भी बढ़ते जा रहा था। यानी 60,000 तक 33 महीने का लाइसेंस वाला रेट रिन्यूअल कराने का आया था। तब हम लोग जाकर के इस आंदोलन को स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद 10% बढ़ा हुआ तो रुक गया, लेकिन वो अभी 1300 रुपया पर आके रुका हुआ है। हम लोग का मांग है कि आप 210 रुपया में शुरू किए थे 210 में दीजिए। 1,45,000 रुपया में इन्होंने इस क्वार्टर को ईएफ टाइप क्वार्टर को दिए हैं, लाइटे पर लीजिंग पर दिए, और आज हम लोग का 1,50,000 1,20,000 रुपया सीधे रखे हुए हैं जाकर के ये में सिक्योरिटी मनी कह करके, जो कि उसका एक पैसा ब्याज नहीं देते हैं। हम लोग का लाइसेंस पर हैं, हम लोग को कोई जाकर के ये पेंशन नहीं है। और इस स्थिति में जिस समय हम लोग रिटायर किए थे उस समय कम से कम जाकर के 11.5-12% इंटरेस्ट था, आज के डेट में वो इंटरेस्ट घट करके 5.42 और 5.55 हो गया। उस स्थिति में यदि हम लोग को मिल रहा था यदि तो कुछ भाड़ा मिल भी रहा था। आज हमारा भाड़ा अति लाइसेंस का दे ये जाकर के पैसे का हमारा वैल्यू आ गया है, जाकर के महीना में 1,00,000 का मुश्किल से जाकर के 450 रुपया मिल रहा है और इनका भाड़ा बढ़ते हुए जा रहा है, कहाँ से हम लोग पेट कर सकेंगे? हम लोग को कोई सुविधा भी नहीं सरकारी मिल सकती है। क्यों? कि हम PSU में नौकरी किए हैं। अब PSU में नौकरी कर दिए हैं तो हमें ना तो राशन मिलेगा, ना कोई जाकर के जो है सो उसका फैसिलिटीज मिलेगा, ना वृद्धा पेंशन मिलेगा, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। तो ये स्थिति अभी हम लोग की हो गई है कि हम लोग भुखमरी के कगार पर भी। बिजली बिल को लेकर के क्या? और बिजली बिल में है कि जाकर के सारे सेक्टर में बिजली का लगता है कि एक बार टोटल जो है भाड़ा हम लोग पर लाद दिया गया है। मीटर तो इनले कर नहीं रहे हैं, अब सीधे जाकर के दे रहे हैं कि जाकर के सबको एक समान। अब बोलिए सेक्टर 9 वगैरह 2 में जो बीच में रह रहा है ऊपर में क्वार्टर लिए हुए, नीचे यदि रखे हुए है तो ठीक है, उसका तो 100-200 रुपया बढ़ जाएगा, एक रूम बना लिया है एक कुछ बना लिया तो उसका होगा। लेकिन जो बीच में रह रहे हैं उनको भी वही हालत है, सबको बराबर बराबर बिजली बिल दे रहे हैं। यानी पूरे बोकारो का बिजली खर्च वो हम लोग से रिटायर कर्मचारियों से वसूला जा रहा है। यानी मैनेजमेंट साफ साफ कह रही है कि तुम लोग अब यहाँ रहने का अधिकारी नहीं हो, रिटायर हुए तो भागो, जाके घर पर मरो, जबकि हम लोग का यहाँ फैसिलिटीज है, MD क्लेम है, MD इंडिया का ये लिए हुए हैं, मेडिक्लेम लिए हुए हैं, फिर जाके हॉस्पिटल हमारा है कि 5-6 किलोमीटर की दायरे में हर तो क्वार्टर भी तो लीज पर लिए हुए हैं तो भागो। लीज पर जो लिया है वो तो कम से कम ठीक है, वो तो फ्री में क्वार्टर लिया है साथी।
आवास, वो तो आवास जो है फ्री में एक तरह से हुआ चुके, वो अब जब लीज पर लिया गया तो उनको भाड़ा दिया गया ऊपर से जब तक के वो सर्विस में रहे, और वो कुछ पैसे और ऊपर से भी कमा लिए, पैसा तो पूरा फ्री में उनका क्वार्टर। लेकिन उस समय हम लोग का हालत था कि हम लोग लेने की स्थिति में नहीं थे, बाल बच्चे देखने में लगे हुए थे, शादी विवाह करना था पूरे। तो प्रबंधक का क्या कहना है? प्रबंधन का कहना है कि जा करके नहीं, हम लोग जो है इसको इंक्रीमेंट करके पैसे को बढ़ाते चले गए। और हम लोग अब कह रहे हैं कि भाई जब आप नियुक्ति पत्र दिए हैं इसी एडीएम बिल्डिंग से ला के ज्वाइन करवाए, हम लोग जवानी में ज्वाइन किए, मेडिकल टेस्ट देकर के ज्वाइन किए, तो अब ये मरने के लिए कहाँ जाएंगे? मरने के लिए भी हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, तो इसी एडीएम पर से दीजिए, हम एडीएम पर आकर के धरना देंगे और अपनी मांगों को हासिल। अगर प्रबंधन आपकी बातों से सहमत नहीं होता है तो क्या करेंगे? हम लोग जाकर के एडीएम बिल्डिंग को घेरेंगे और घेर करके वहाँ पर हम अपनी जान तक को भी दे सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम आर शर्मा है, रामानुज शर्मा, और हम कन्वेनर हैं इस लाइसेंस आवासधारियों का, बोकारो इस्पात कामगार यूनियन का उपाध्यक्ष हैं, और हम इस चीज़ को करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक।